हे एवरीवन, सो द यमीएस्ट ब्रेकफास्ट इज़ रेडी और आज हम बनाने वाले हैं वर्मीसेली। उसके लिए आपके पास जितनी भी सारी वेजिटेबल्स हों सारी उठा के ले आओ और सब जो है चॉप करके अच्छे से धो धा के रख लो। उसके बाद हम लेंगे कढ़ाई और मेरी कढ़ाई की सूरत पे बिल्कुल मत जाइएगा, एकदम साफ़ सुथरी है और बढ़िया है। तो सबसे पहले हम लेंगे कढ़ाई, उसमें लेंगे ऑयल और उसके साथ साथ हम जो भी मसाले इसमें डालते हैं, जनरली वर्मीसेली में मैं डालती हूँ जीरा, तो जीरे को प्रॉपरली चटकने देंगे। फिर हम उसमें डालेंगे हरी मिर्च, चाहे तो आप इसे लंबी काट सकते हो या फिर छोटी छोटी बारीक बारीक भी काट सकते हो। इसको अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज एज़ यूजुअल, क्योंकि इंडियन खाने में प्याज तो होता ही है और फिर नॉर्थ इंडियन खाने में तो प्याज ज़रूर होता है। तो जैसे ही प्याज थोड़ी सॉटी हो जाएगी उसके बाद हम इसमें जो है बाकी सारी वेजिटेबल डालेंगे, जिसमें मैंने लिया है क्योंकि सर्दी में मटर गोभी गाजर वगैरह अच्छी आती है, तो उस दिन मेरे पास थे आलू गोभी और मटर। और मैंने दूसरे जो है बर्तन में लिया है वर्मीसेली या जवे भी बोला जाता है हमारी साइड, तो आज मैं बिल्कुल अलग तरह से बना रही हूँ। ये हो गई हमारी जो है प्याज अच्छे से भून के तैयार। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपनी सारी वेजिटेबल्स, इनको सॉटे होने के लिए जो है कढ़ाई में डाल देंगे और धीरे धीरे चलाते रहेंगे। इसी स्टेज में हम चाहे तो नमक इस टाइम पे भी डाल सकते हैं या बाद में भी डाल सकते हैं। तो मैं पहले सॉटे करूँगी इसको अच्छे से, जब ये प्रॉपरली कुक हो जाएगा उसके बाद ही जो भी हमने मसाले डालने हैं। मसाले इसमें एज सच बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि बच्चों को अगर आप नॉर्मली धनिया पाउडर और जो टर्मरिक है उसकी जो मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं वो बहुत अच्छी होती है, तो उसमें मसाला डाल के चीज़ें ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है। तो इसमें सबसे पहले हम डालेंगे नमक, फिर डालेंगे हल्दी और इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। इसमें थोड़ा सा आप ओरिगैनो डाल सकते हो, बट मुझे ओरिगैनो जवे में बिल्कुल पसंद नहीं है तो मैं नहीं डालती हूँ। बच्चों को पसंद होता है तो आप चॉइस पर चॉइस डाल सकते हो। तो ये हमारा धनिया पाउडर वगैरह इसमें डल गया है। इसमें आप थोड़ा सा जो है या तो जैसे मैगी मसाला भुना हुआ आता है उसी तरह से आप जो है भून के मसाले को रख सकते हो, तो वो टेस्ट एनहेंस करने के लिए आप डाल सकते हो, घर का बना हुआ जो मसाला होता है वो। बस इसको अच्छे से चला देंगे और हमारी वेजिटेबल ऑलमोस्ट सॉटे हो गई हैं। तो इसको हम 2-3 मिनट के लिए ढक के रख देंगे और धीमी आंच पे ही पकाना है इसको हमें। तो अब ऑलमोस्ट, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि नीचे कढ़ाई में ना थोड़ी थोड़ी लगने लगी है सब्ज़ी, तो उससे पता चल जाता है कि ऑलमोस्ट वेजिटेबल जो है सॉटे हो गई है। अब हम इस स्टेज में डालेंगे टमाटर, जिससे कि जो नीचे जमा हुआ जितना भी मसाला है वो सारा टमाटर के जो वाटर कंटेंट होता है वो पानी छोड़ने लग जाता है टमाटर नमक की वजह से, तो ये सारा आराम से उतर जाएगा कढ़ाई से। और इस स्टेज में हम जो है इसमें डालेंगे पानी, क्योंकि हमारी जो सब्जियां हैं अब घुलेंगी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि हम इनको अच्छे से सॉटे कर चुके हैं। जब ये आपको लगने लग जाए कि हाँ सब्ज़ी प्रॉपरली पक गई है, उसको कंटिन्यूसली चलाना है पर धीमी आँच पर ही पकाना है आपको इसे। इस चीज़ का बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है कि वर्मीसेली में वो घुलने लग जाती है। तो जब आपको लगने लगे कि हाँ सब्ज़ी पक रही है और आप चेक कर लेंगे कि जो आलू है आलू को फोड़ के देख लेंगे, वेजिटेबल को फोड़ के देख लेंगे, फिर हम इस स्टेज में डालेंगे इसमें वर्मीसेली। 1 मिनट इसको अच्छे से चलाएंगे और जब ये प्रॉपरली इसमें मिक्स हो जाएगा, एग्जैक्टली एक रोस्टेड फ्लेवर तो नहीं देना क्योंकि हमारी वर्मीसेली ऑलरेडी रोस्टेड है, तो इस स्टेज में जब ये प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। इसका रेशो ऐसे रखना है कि आपको, अगर आपने 1 कटोरी वर्मीसेली ली है तो आपको उसमें कम से कम 2.5 कटोरी पानी डालना है। तो मेजरमेंट आप अपने हिसाब से रखिएगा, मुझे मेजरमेंट पता है, तो आप इसमें गुनगुना पानी भी ले सकते हो, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर का पानी भी डाल सकते हो। अब इसको आपको अच्छे से थोड़ी देर चलाना है और इसको ढकना है। उसके बाद क्योंकि ये भाप से पकेगा, बॉयल होने लग जाएगा, उबाल आने लग जाएगा, तो जैसे जैसे धीरे धीरे आप इसको चलाते रहोगे आपको थोड़ा सा लगे कि पानी कम है तो आप इसमें पानी बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये ड्राई बनती है। फिर इसको हमें जो है ढक्कन की मदद से इसको ढक देना है। जैसे ही आप इसको खोलोगे तो आपको ये ड्राई वाला जो है इसकी जो सूरत है सीरत है वो दिखेगी आपकी वर्मीसेली की, और जो खुशबू है वो धीरे धीरे जो है
आने लग जाएगी तो बस उसी टाइम ऐसा लगेगा कि मुंह में पानी आ जाएगा। तो बस अब हम सर्व करेंगे। आप इसको चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ खा सकते हो, ग्रीन टी के साथ भी ले सकते हो। ये बहुत ही हेल्दी न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट है और आप इसको अपने बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हो, आप अपने ब्रेकफास्ट में जो है कंज्यूम कर सकते हो। आई होप यू रियली लाइक द वीडियो एंड दिस इज़ अ डिफरेंट रेसिपी विच आई हैव शेयर्ड विद यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।